दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, बिकॉज सारी वही चीजें रिपीट होती है इस चैप्टर में जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, बट आज हम लोग दो नई चीजों को पढ़ेंगे इसके पार्ट वन में, और फिर पार्ट टू में देखेंगे बाकी जो वो सब पुरानी चीजें। सो पहली तो जो चीजें हमने पढ़नी है उसमें सबसे पहला आता है वेदर एंड क्लाइमेट। अब काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि सर दोनों सेम होते हैं, अलग होते हैं, क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और सेकेंड टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गैदर करेंगे इन दैट इज मेट्रोलॉजी। ओके, सो शुरुआत हम लोग करेंगे वेदर और क्लाइमेट के साथ। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की, दैट इज वेदर। हम लोग काफी बार घूमने फिरने जाते हैं, है ना। हम लोग घूमने गए, सपोज तीन चार दिन के लिए घूमने गए, तो सपोज आज पहला दिन था, अच्छा दिन था, अगले दिन अगर सपोज अचानक से बारिश हो गई, सो व्हाट वी यूजुअली से, आज का वेदर अच्छा नहीं है। ओके, और सपोज सुबह सुबह बारिश हुई और सुबह के बाद बादल चले गए, दोपहर के बाद फिर से धूप आ गई, सो वेदर अचानक से चेंज हो गया। सो यू कैन से वेदर की जब भी हम बात करेंगे, सो दैट विल बी फॉर शॉर्ट टाइम। एक शॉर्ट टाइम के लिए जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं कंडीशंस को, दैट इज व्हाट वी से कि ये वहां का वेदर कंडीशन है। ओके, और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है, तो क्लाइमेट हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक काफी लंबे टाइम तक। अगर हम लोग किसी चीज को, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहां अगर आप जाओगे तो ऐसा ही दिखेगा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी टॉकिंग अबाउट एवरेज, ठीक है, एवरेज। हम लोग एक एवरेज की बात करते हैं, एंड दिस एवरेज इज बेस्ड ऑन सम रीडिंग्स। ये जो एवरेज बेस्ड होता है, ये कुछ रीडिंग पे बेस्ड होता है जो ओवरऑल हमेशा वहां पे ली जाती है। जैसे जलगांव का क्लाइमेट हॉट है, जनरली गर्मी होती चाहिए यहाँ पे। ओके, सो वेदर यहाँ का हॉट नहीं है, हो सकता है किसी दिन एकदम से अगर बारिश हो गई तो ठंडा भी हो जाए, बट ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं, ओवरऑल दिस इट इज हॉट, तो वी कैन से जलगांव का क्लाइमेट हॉट। सो वेदर की बात जब भी होगी तब हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे, और जब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक बड़े टाइम के लिए होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि एवरेज हम लोग वहां पे लेके चलते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? ये दिस इज द इनिशियल पार्ट जो आपको वहां पे इनिशियल लेवल पे समझ के रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस इज कि वेदर हो या क्लाइमेट हो, ये दोनों का कहीं ना कहीं एटमोस्फेरिक कंडीशन के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन होता है, काफी अच्छे से इन्वॉल्व होता है। नाउ एटमोस्फेयर क्या होता है? एटमोस्फेयर इज अवर सराउंडिंग। So, हमारे सराउंडिंग में काफी सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आसानी से मिलती रहती है। तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। अब जनरली अगर हम लोग बात करें, सो रीजन टू रीजन टेम्परेचर वैरी करता है। ओके, जो सी शोर के पास में होते, कोस्टल एरिया जो होते हैं, वहां का जो कंडीशन होता है वो अलग होता है, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, और जैसे आप वहां से दूर दूर जाओगे आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। सो अगर आप वेदर डिसाइड कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, या क्लाइमेटिक कंडीशन डिफाइन कर रहे हो, सो आपको वहां पे टेम्परेचर का पूरा पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है, दैट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। एयर में कितना मॉइस्चर है, और मॉइस्चर का ही मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर्स। हम लोग वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो वाटर वेपर्स अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा हमारा एनवायरमेंट जो है ह्यूमिड हो जाएगा, पसीना सा आने लग जाएगा आपको, और वही अगर वाटर वेपर का परसेंटेज कम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ड्राई एयर है। ओके, सो अगेन द सेकेंड फैक्टर विच कम्स इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल कंट्री है हम लोग, सो रेनफॉल भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा वहां पे। जब भी हम लोग वेदर और क्लाइमेट इसको वहां पे अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज रेनफॉल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हम लोग अक्सर काफी सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में ये चीजें याद रखते हैं कि कहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, कहाँ पे रेनफॉल कम होता है। सो रेनफॉल भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जब भी हम लोग वहां पे वेदर या क्लाइमेट को एक्सपीरियंस या बता रहे होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी आती है एटमोस्फियरिक प्रेशर. अभी जो एटमोस्फियरिक प्रेशर होता है ना, इसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते बिकॉज जनरली हम लोग 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर लेके चलते हैं. बट एटमोस्फियरिक प्रेशर जो होता है ये डिपेंड करता है आप कहां पे हो, हाइट फ्रॉम सी लेवल. ओके, जनरली आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे अगर आप विजिट करोगे तो रेलवे स्टेशन पे वो जो भी सिटी होती है उस सिटी का लिखा होता है कि मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है. सो आप जितना जितना ऊपर जाओगे उतना उतना एटमोस्फेरिक प्रेशर में आपको चेंज होते हुए देखने को पूरा मिलता है. सो कहीं ना कहीं क्लाइमेट हो या वेदर हो, इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगला जो आएगा वो होगा सनलाइट. ओके, अब सनलाइट हर जगह होती है बट काफी बार क्या होता है हम लोग किसी हिल स्टेशन में भी अगर गए तो वहां पे अगर सनलाइट ज्यादा भी है तो हम लोग को ठंडा ठंडा लगता है बिकॉज हम लोग एक हाइट के ऊपर है. ओके, सो सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर बट कहीं ना कहीं उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर कैसे हाइट के साथ पूरा पूरा रिलेशन होता है. नेक्स्ट, जहां हमने रेनफॉल की बात की सो उससे रिलेटेड पार्ट को भी हम भूल नहीं सकते, क्लाउड्स. क्लाउड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाउड्स है नहीं है, क्लाउडी एनवायरमेंट है, उसके बाद फिर आप अगर अपडेट कर देते हो आपके मोबाइल में तो आपको ये भी इंडिकेशन मिल जाता है कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है. तो कहीं ना कहीं जो भी डाटा इंटरप्रेट करते हैं ना हम लोग, एक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे ये चीज होने वाली है या नहीं होने वाली, क्या भी कुछ है. ओके, फोरकास्टिंग की जब बात होती है, वेदर फोरकास्टिंग आता है ना टीवी पे, कोई भी न्यूज चैनल लगा दो, दिन में 2 बार वो उनको डाटा रिपोर्ट मिलता है और फिर वो चलने देते हैं उस साइकिल के हिसाब से. तो क्लाउड्स भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा. अब यहां पे बीच में एक अलग से कुछ पैरामीटर आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं, जो जनरली हम लोग वहां पे देखते हैं जब कैसे इंडिया में तो पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है. सो पोल्यूशन हो या फिर ठंड के दिनों में फॉग आ जाता है, कोहरा सा आ जाता है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट अलग से आएगा विजिबिलिटी. वहां की विजिबिलिटी कितनी है, आप कितने आसानी से देख सकते हो आमने सामने की चीजें. होता है ना काफी बार ठंड में कोहरा सा आ जाता है, आपको ड्राइविंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ट्रेनें काफी बार नॉर्थ इंडिया की बंद हो जाती है. सो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि विजिबिलिटी भी एक ऐसा पैरामीटर है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है. तो दोस्तों ये है टोटल 7 पैरामीटर्स, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, सनलाइट है, क्लाउड्स और विजिबिलिटी है. मतलब एयर से आप कितना इजिली देख सकते हो अगर वहां पे कोई दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं है. खासकर यहां पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स, ठीक है, तो यहां पे एक तो हम लोग बात करेंगे डस्ट की जो कि पार्ट हो जाएगा आपके पोल्यूशन का. पोल्यूशन लेवल अगर हाई तो विजिबिलिटी पे अफेक्ट होता है. और दूसरा हम लोग बात करते हैं फॉग की और यू कैन से स्मोग ऑल्सो, कोहरा जैसे हम लोग बोलते हैं. सो अगर ये प्रेजेंट है तो भी विजिबिलिटी पे उसका फर्क पूरा होगा. बाकी सारे जो पैरामीटर्स लिखे गए हैं ये पैरामीटर्स आपके स्पेसिफिक एरिया के वेदर कंडीशन को बोलो या क्लाइमेटिक कंडीशन को बोलो, ये पूरा पूरा वहां पे अफेक्ट 100% करेगा. चलो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन लिविंग वर्ल्ड. ओके, आप यहां पे इसे इस तरीके से भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो हम लोग वहां पे नोटिस करते हैं, दैट इज इट अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं का वेदर बदल गया, कहीं की क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई, तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट जो हम दिखते हैं वो दिखता है हमें लाइफस्टाइल. ओके, अब ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ओके, सो यहां पे कोई भी अगर हम लोग लेते हैं, इवन कैन से ये दोनों के ही जो चेंजेस है, वेदर के बोले या क्लाइमेट के, इसमें सबसे पहले जो हम चेंजेस नोटिस करते दैट इज इन अवर एनवायरमेंटल कंडीशन. सो एनवायरमेंट में हम लोग तो रहते हैं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल सकती है. कहीं पे सपोज फॉर एन एग्जांपल ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा फ्लड हो गया, सो काफी सारे लिविंग सेल्स बोलो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलो, वो फ्लड में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेज जाते हैं, काफी हेवी लॉस वहां पे हो जाता है. ओके, सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा,
वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है. ओके सो अब अगर हम लोग बात करें कि हमारी लाइफ स्टाइल कहां से निकला, अफेक्शन कहां से निकली, वो कहां से वो अफेक्ट हुआ, इन शॉर्ट यू कैन से वो हुआ एनवायरमेंट से. बिकॉज हमारी जो लाइफ है वो लाइफ भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे पूरी पूरी डिपेंड रहती है. इन दिनों हम लोग देखते हैं काफी सारा पोल्यूशन लेवल हो चुका है, तो ऐसी बीमारियां भी अलग अलग टाइप की मार्केट में आ चुकी है. ओके सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट इज कि ये हमारे लाइफस्टाइल पे अफेक्ट करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू अवर बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स. ओके अब हमारी बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? वी हैव फूड, वी नीड क्लोथ एंड वी नीड शेल्टर. ये सबसे तीन बेसिक नीड्स है. ठीक है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. सो आप जिस किसी भी एरिया में रहते होंगे, ओके जिस किसी भी एरिया में रहते होंगे, वहां का जो कुछ भी आपका बेसिक नीड पूरा होता होगा तो वहां की कंडीशन पे डिपेंड करता होगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें कि कश्मीर के लोग हैं, काफी सारी चीजें वो लोग अलग अलग बना के सेल आउट करते. क्यों सेल आउट करते? बिकॉज वहां का जो कंडीशन है वो उनको वैसा फेवरेबल है, तो उनको वो चीजें आसानी से मिल जाती है. ओके अब यहां पे एक और चीज हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज यू कैन सी ऑक्यूपेशन. बिकॉज ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं पूरा ही क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. अब जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री की हम लोग हमेशा बात करते हैं, सो बारिश अगर बराबर से हुई हर जगह पे तो ही फसल अच्छी होगी, और फसल अगर अच्छी हुई तो किसान को मुनाफा अच्छा होगा. तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर के कहां आ गई, क्लाइमेट की आ गई. अब अगर खेती बाड़ी सही से होती है, मतलब फार्मिंग का रिजल्ट सही आता है, तो मार्केट लेवल पूरा बराबर से चल रहा होता है. ओके सो हमारी बेसिक नीड्स के साथ साथ जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ये भी कहीं ना कहीं पूरा की पूरा ये वहां की वेदर कंडीशन बोलो या क्लाइमेटिक कंडीशन पे पूरा पूरा डिपेंड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बात अगर हम लोग तीसरी बात करें, सॉरी दूसरी तो हो गई, दूसरी बात ये हो गई कैसे सैलिनिटी ऑफ ओशन. ठीक है, वहां पे कितना नमक प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट होगा. यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, जो वेव्स वहां पे बनती है. ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करती है पूरी पूरी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर साइकिल, वाटर का जो सर्कुलेशन होने वाला है, ये सारे ही पॉइंट्स किस पे डिपेंड करेंगे, कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे. सो अगर ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग ये लेके चले कि अगर पानी बराबर से सर्कुलेट होता रहा, पानी अगर बराबर से मिलता रहा, सो जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे इट अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल इजी हो जाएगी. हम लोग नोटिस करते हैं न्यूज़पेपर से, काफी सारे आर्टिकल से, कि पानी की जो लेवल है वो कितनी कम हो चुकी है. क्यों कम हो चुकी है? बिकॉज हमने कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया है एनवायरमेंट में, और जैसे हमने एनवायरमेंट में इंटरफेयर किया तो जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस बदल गई, और उसका इफेक्ट हमें वाटर साइकिल पे देखने को मिला. सैलिनिटी ऑफ ओशन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्वेटिक लाइफ के लिए. एक्वेटिक लाइफ कितने अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, तो उसके लिए प्रॉपर परसेंट में सी प्रेजेंट होना चाहिए. आपने डेड सी के बारे में सुना होगा, बहुत ज्यादा सॉल्ट वहां पे प्रेजेंट है, सो एक्वेटिक लाइफ है ही नहीं वहां पे. सो ऐसे काफी सारे पैरामीटर है. फिर आप बात करो फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, जो वेव्स जनरेट होती है, जो कैसे करंट हमें देखने को मिलते हैं, सो इन सभी में इन दोनों का ही सबसे इंपॉर्टेंट योगदान वहां पे होता है. ठीक है, नेक्स्ट यही कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है आपके वियर एंड टियर ऑफ रॉक्स के लिए. जो पत्थर टूटेंगे, वियर एंड टियर का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना. काफी सारे फैक्टर्स होते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक के, बायोलॉजिकल होते हैं, एटमोस्फेरिक होते हैं. सो एटमोस्फेरिक में यही दो आते हैं कि इनकी वजह से जो वियर एंड टियर होगा, बिकॉज इनके वियर एंड टियर होने से क्या बनने वाला है, वहां पे सॉइल बनने वाला है. तो जितना प्रॉपर सॉइल बन के मिलेगा उतना हमें मदद होगा, और जितना सॉइल फॉर्मेशन कम होगा उतना हमें हेल्प होने वाला नहीं है. सो दैट इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे कहीं ना कहीं यहां से होके आसानी से मिलता है. इसके बाद लिस्ट में आती है क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. वो तो आपको बता दिया कि सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. और इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल.
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये जितना प्रॉपर रहेगा उतना आपका सॉइल फर्टाइल रहेगा. सो ये भी कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं आते हैं. सो ये है आपके पास कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस जो हम लोग नोटिस करते हैं कि क्लाइमेट हो या वेदर हो, इन दोनों से हम लोगों को इस पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है. इट कैन बी डायरेक्टली और इट कैन बी इनडायरेक्टली, दोनों ही पैरामीटर्स हैं. हम लोग ठीक है खुद तो बराबर से मैनेज कर सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं एक फूड चेन का पार्ट वहां पे बने हुए हैं. बेसिक नीड्स ही हमारी पूरी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. फूड, क्लोथ, शेल्टर है, ऑक्यूपेशन हमारे कहीं ना कहीं इसी पे पूरा डिपेंड करते हैं. फिर सैलिनिटी ऑफ ओशन, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट जो बनते हैं. नेक्स्ट वाटर साइकिल जो रोटेट होती है, इसमें भी क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. वेदरिंग ऑफ रॉक, जहां से सॉइल बनेगा तो हमें ज्यादा अच्छा सॉइल मिलेगा, एग्रीकल्चर में उसका पूरा हेल्प होगा. और ऑर्गेनिक कंटेंट जिसे हम लोग नेचुरल फर्टिलिटी बोलते हैं, ये भी बनी रहती है अगर वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन सही है. सो एग्जाम में आपको कोई भी तीन या चार पूछी जा सकती है, आप इसमें से कोई भी याद रख लो, इट्स वेरी सिंपल. उसको वहां पे सिर्फ आपको एलाबरेट करने में ईजी हो जाएगा वहां पे. चलो दोस्तों आगे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. टॉपिक है हमारा मेट्रोलॉजी. ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया होगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो वेदर फोरकास्टिंग हो या क्लाइमेटिक कंडीशन का जो पूरा स्टडी करता है वो ये साइंस होता है. सो इट इज अ साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स. अलग अलग कंपोनेंट्स का स्टडी आएगा, जिसमें आएगा एयर का स्टडी. अब आप बोलोगे सर एयर से क्या क्या, तो एयर का टेम्परेचर, एयर की ह्यूमिडिटी, उसका प्रेशर, ये सारी चीजें. नेचुरल साइकिल जैसे वाटर साइकिल हो गई, ऐसे काफी सारे साइकिल्स होते हैं वहां पे. नेक्स्ट जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, अगर कहीं पे कुछ मूवमेंट्स हम लोग नोटिस कर रहे हो, या फिर वहां के क्लाइमेट का पूरा स्टडी. सो ये जो पूरा स्टडी होता है ये साइंस के एक ब्रांच में आता है, एंड दैट ब्रांच इज मेट्रोलॉजी. ओके नाउ इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ क्या क्या मेन मेन चीजों की स्टडी करता है. स्ट्रॉम हो गया, क्लाउड्स हो गए, रेनफॉल हो गया, थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गया. अब ये क्या करता है, इन सभी को स्टडी करता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर इट फोरकास्ट द वेदर. हमें पता चलता है ना, जैसे जलगांव में दो दिन बाद बारिश होगी, अगले चार दिन में बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है. तो ये कैसे पता चला, तो ये जो डिपार्टमेंट होता है जहां पे ये पूरा स्टडी होता है, एनालिसिस होता है, वहां पे ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाती है. और ये जो सारी इंफॉर्मेशन ये किसके लिए काम आएगी, कॉमन मैन हमारे लिए, जो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए उनके लिए, फिर जो फिशरमैन होते हैं उनको काम आती है, फार्मर्स को काम आती है, एविएशन इंडस्ट्री को इसका पूरा काम होता है, फ्लाइट से रिलेटेड, टेक ऑफ कब करना है, क्या करना है. आप लोग काफी बार देखते होंगे कि वेदर कंडीशंस खराब थी, दैट्स द रीजन फ्लाइट लेट हो गई या फ्लाइट कैंसिल कर दी. सो इनके लिए ये स्टडी बहुत जरूरी है. ओके और इसी स्टडी के ऊपर बेस वो फोरकास्टिंग करते, अनुमान लगाते हैं. दैट इज नॉट द एग्जैक्टली वो लोग जानते होंगे. ओके जैसे हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल मानसून, ओके देखेंगे हम लोग अगले सेक्शन में कि मानसून को इंटरप्रेट करने के कौन से मेथड्स हैं. सो मानसून के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है कि ये मंथ में वो आता है, बट फिर भी न्यूज़पेपर में ऐसी हम लोग खबर पढ़ते हैं इस साल लेट आ रहा है, इस साल वो जल्दी आ रहा है. तो वो लोग क्या करते हैं, पिछले जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उन ऑब्जर्वेशन के साथ उसको कंपेयर करते हैं. सो कंपेरिजन भी यहां पे हम लोग इस साइंस में कंटिन्यूअसली करते हैं. सो मेट्रोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है साइंस का, जहां पे हम लोगों को वेदर के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन का पता चलता है और हर एक पॉइंट को बारीकी से लिया जाता है कि कौन सा तूफान कहां पे आ रहा है, कैसे, सारी सारी चीजें हमें पता चलती है. सो लेट्स टेक सम इन कैन से शॉर्ट लुक एट IMD, स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. अब इसकी शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर 1875 और शिमला में इसकी शुरुआत की थी. ओके शिमला क्यों किया गया था, एक हिल स्टेशन पे था तो वहां से ऑब्जर्वेशन करना काफी आसान था. बट देन इट इज शिफ्टेड टू द पुणे. सो प्रेजेंटली उसका हेड ऑफिस पुणे में है और हमारे पास अलग अलग रीजनल ऑफिसेस भी है, जिसमें मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, नागपुर हो गया और दिल्ली हो गया. अब यहां पर ये लोग क्या करते हैं, यहां पर ये लोग डेली लेवल्स पे मैप्स बनाते, दे प्रिपेयर मैप्स, जैसे इंडिया का मैप है. सो इंडिया के मैप पे उनके जो भी सिंबल्स उन्होंने असाइन किए होंगे उसके हिसाब से वो लोग सारी चीजों को डिनोट करते हैं और फिर वो सर्कुलेट करते हैं. ओके सबसे पहले यहां पे होता है और फिर वो रीजनल ऑफिसर्स से भी सारा डाटा कलेक्ट होता है. और जनरली हम लोग देखते हैं
कि ट्वाइस इन 24 आवर्स, 24 घंटों में दो बार ये मैप्स बनाए जाते, मतलब दो बार ये चेंज होगा, एक बार चेंज हो गया, अगली बार कुछ 12 घंटे बाद कुछ अगर बदलाव आता है तो वो बदलते हैं। बट हम लोग जब न्यूज चैनल पे देख रहे होते हैं तो हम लोग को तो हर घंटे में वो लोग वेदर फोरकास्टिंग देते हैं, तो वो लोग वही वही चीज को रिपीट करते हैं। ओके, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंडेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1857 शिमला में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेड ऑफिस पुणे में है, रीजनल ऑफिसेस 5 अलग अलग सिटीज में, इनका काम होता है मैप्स बनाना और यही मैप्स को बनाते हैं 24 घंटों में दो बार, और इसी से जो भी फिर फोरकास्टिंग होता है वो कॉमन मैन हो, फिर एविएशन इंडस्ट्री हो, अलग अलग कैसे फार्मर्स को काम आता है, फिशरमैन को काम आता है, सब जगह पे, बिकॉज बहुत सारे लोग इसी को देख के सारी चीजें करते हैं, मतलब वेदर फोरकास्टिंग कैसा है कैसा नहीं है, बारिश कब आएगी क्या नहीं आएगा, ये सारे सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पे। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट अगेन से ओवरलुक ओवर द मेट्रोलॉजी, होप आप लोगों को क्लियर हुआ है, छोटा सा एक टॉपिक है। और हम लोगों ने देखा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब शुरुआत हुई थी, उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या से पॉइंट्स वो वहां पे करेंगे। सो जैसे यहाँ पे बताया स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, तो सारे ही फोरकास्टिंग्स उनके थ्रू वहां पे किए जाते हैं। चलो स्टूडेंट, बढ़ते लास्ट टॉपिक की तरफ आज की सेशन के, दैट इज मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। कैसे मानसून का प्रेडिक्शन किया जाता है, कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं, और अकॉर्डिंगली क्लाइमेट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होता है। सो सी, जो ट्रेडिशन है मानसून को फोरकास्ट करने का, मानसून को बताने का, ये काफी पुराना है, ये 100 साल तक पुराना है। ओके, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या मेन एस्पेक्ट थे वो हम लोग देखेंगे। सो इसकी सबसे पहले शुरुआत की H.F. ब्लैनफोर्ड ने, जिन्हें फाउंडर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। सो एक्चुअली क्या हुआ था, 1877 में एक फेमाइन आया था, सूखा पड़ गया था सब जगह, सो कंडीशंस एकदम से बदल गई। सो कहीं ना कहीं लोगों में यह भी टेंशन था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन्होंने सबसे पहले एक मानसून का प्रेडिक्शन का मॉडल बनाया, एंड दैट मॉडल वॉज बेस्ड ऑन स्नोफॉल इन द हिमालयस। मतलब इन्होंने क्या स्टडी किया कि हिमालयन रीजन में, हिमालयस में कितना स्नोफॉल होता है, और उसके अकॉर्डिंगली पूरे कंट्री में मानसून का क्या हाल होता है, कैसा वो होता है। सो ये इन्होंने शुरुआत की। सो सबसे पहले इसको प्रेडिक्ट करना बोलो या फिर इसको फोरकास्ट करना, ये H.F. ब्लैनफोर्ड ने किया था, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, दे वाज़ द फाउंडर ओवर देयर, और ये थे, मतलब इन्होंने जो पैरामीटर यूज किया वो था स्नोफॉल का, हिमालय में बर्फबारी हुई तो उसका इफेक्ट आगे कैसे होगा। इसके बाद सर गिलबर्ट वॉकर आए, जो कि थे डायरेक्टर ऑफ IMD। अब क्या हो गया, ये जो पैरामीटर इन्होंने यूज किया ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, बिकॉज इनके जो रीडिंग्स आते थे, इनकी जो फोरकास्टिंग होते थे, वो कभी कभी एक आध बार सही हो गए तो हो गए, बट ज्यादातर केसेस में था देखने को मिला कि ये फेल ही हो रहा था। सो अगर ज्यादा रीडिंग फेल हो जाएंगे, ज्यादा प्रेडिक्शन अगर फेल हो जाएंगे, तो फार्मर्स हो या फिर जो लोग उस पर पूरा डिपेंडेंट है बारिश पे, मानसून पे, सो उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल आ सकता है। सो उनके बाद जो आए सर गिलबर्ट ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस देखे, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते पूरे साल में, उन चेंजेस को ऑब्जर्व किया, हर एक को नोटिस किया, और फिर उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस बताया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब एक, भैया मेरा अनुमान है सर, मैं ऐसा, मतलब मेरा जो स्टडी है वो स्टडी मुझे ये बताता है कि ऐसा कुछ होगा इन केस ऑफ मानसून। तो उन्होंने जो भी पूरा साल भर में स्टडी किया, उस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने अपना हाइपोथेसिस रख दिया कि मानसून का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं इन पैरामीटर्स के आसपास घूमता है। मतलब पहले जो पैरामीटर था स्नोफॉल इन हिमालयस, ओके, आज भी हम लोग देखते हैं अगर वहां पर बर्फबारी हुई तो टेम्परेचर तो यहाँ पे कम हो ही जाता है, ठंड वंड बढ़ जाती है, बट हम लोग स्ट्रिक्टली किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द मानसून ओवर देयर। उसके बाद जो है सर गिलबर्ट वॉकर, इन्होंने कहा ठीक है ये भी सही है, बट मैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस करना चाहता हूं। इनके बाद जो आए डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर, इन्होंने पैरामीटर के तौर पे वर्ल्ड वाइड की जो क्लाइमेटिक कंडीशन ये लिया, ओके, इन्होंने सिर्फ इंडिया से रिलेटेड आसपास के रीजन को देखा, बट इनके हिसाब से वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स जो पूरे दुनिया में होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं
जो हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होते हैं सीज के ऊपर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनका दिया हुआ मॉडल 1990 से 2002 तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बट उसके बाद टेक्नोलॉजी बदल गई और हमारे पास और भी अलग अलग मॉडल है। सो हम लोग जनरली तीन मॉडल्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है मैथमेटिकल मॉडल, जिसे डायनामिक मॉडल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे मैथमेटिकल एनालिसिस के टूल्स वहां पे बनाए हैं इन परम सुपर कंप्यूटर, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है उसमें। सो वहां पे वो क्या करते हैं, कुछ टूल्स बने हुए, उन टूल्स में जैसे हम लोग इनपुट डालते हैं, सो वो खुद का अपना एक एनालिसिस करते हैं, खुद के कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, जो भी चीजें वहां पे जिसने भी वो टूल बनाया उन्होंने जो डाली होगी उसके हिसाब से जो आउटपुट आता है उस पर फिर वो हमें अगला जो आउटपुट है वो देते हैं। सो यू कैन से वेरियस मॉडल्स आर डेवलप, काफी सारे मॉडल्स बने हैं और आज भी बन रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अगर प्रिसाइज रीडिंग होगा, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अगर होगा, तो कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। उसके बाद आता है होलिस्टिक मॉडल। अब यहां पे क्या है, सो हियर यू कैन से प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स व्हिच आर इन अदर मॉडल व्हिच हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट। मतलब ये जो मॉडल है ये दूसरे मॉडल की मदद लेता है, ओके okay, मतलब दूसरे मॉडल के साथ खुद के रीडिंग को हमेशा कंपेयर करेगा और दोनों में से जहां पे ग्रेटेस्ट इंपैक्ट दिखेगा, ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट लेगा और आपको सामने दे देगा। ओके okay, मतलब खुद का कंपैरिजन के साथ सब, कंपैरिजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हो सकता है सामने वाला मॉडल बेटर काम कर रहा हो, ये वाला मॉडल बेटर काम ना कर रहा हो, सो कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है, दैट इज होलिस्टिक मॉडल। और लास्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्टैट्स पे वो काम करते हैं। ये अभी का तो लेता ही है, बट पिछले सालों के कुछ जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, एनालिसिस किए हुए मॉडल्स होते हैं, उनके साथ भी वो कंपेयर करता है और तभी तो हमको पता चलता है कि इस बार मानसून लेट आ रहा है, इस साल मानसून जल्दी आ रहा है, कितने दिन तक रहेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पिछले साल के रीडिंग के साथ इंटरप्रिट करके मिलती है। सो अर्लियर पैरामीटर्स, पुराने पैरामीटर्स को भी स्टडी करता है एंड नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फॉर सेवरल इयर्स, काफी सारे सालों तक के जो रीडिंग डाटा स्टोर होते हैं उनके बेसिस पे हम लोगों को फोरकास्टिंग मिलती है। ओके देखो फिर से एक बार क्लियर कर दूं, इट इज जनरली अ फोरकास्टिंग, वो लोग एक अनुमान लगाते हैं, बिकॉज कंडीशंस कब कैसे बदल जाएगी ये तो किसी के हाथ में नहीं। काफी बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि आज अगले दो दिन तक बारिश बोली है, तो वी आर लाइक अरे उन्होंने बोला है तो होने थोड़ी वाली है, बिकॉज काफी बार उनके जो फोरकास्टिंग्स होते हैं वो फेल होते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोगों को उसे पॉजिटिवली ही लेना है, बिकॉज उनके पास जो रीडिंग्स है, उनके पास जो अलग अलग मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, वो सारी चीजें उन मॉडल्स का ही आउटपुट है। सो उन मॉडल से जो आउटपुट आता है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन आती है, वो लोग सर्क्यूलेट करते हैं और वही हम तक पहुंचती है। ओके सो ये तीन अलग अलग मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल जिसे डायनामिक मॉडल भी कहते हैं, चेंज होते रहता है वो। होलिस्टिक मॉडल में हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ, और जिसका भी ग्रेटेस्ट इफेक्ट होगा वो हम लोग आगे लेके चलेंगे। और स्टैटिस्टिकल मॉडल में हम लोग पिछले साल के भी जो रीडिंग्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इन सभी को पॉजिटिवली लेके चलते हैं, बिकॉज सारी चीजें लेके चलेंगे तब जाके रीडिंग हमें प्रॉपरली मिलती है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ फ्रॉम द चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जहां पे हम लोगों ने शुरुआत में देखा क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट टर्म है तो एक लॉन्ग टर्म है, फिर कुछ पैरामीटर्स को स्टडी किया, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट या वेदर का स्टडी, फिर हमने मेट्रोलॉजी को देखा, मेट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे, कौन से सिटी में उसका हेड ऑफिस है, और ये हमने देखा कि मानसून मॉडल और क्लाइमेट प्रेडिक्शन कैसे शुरुआत हुई उसकी और अभी हमारे पास कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स इसके बाद की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, बट कुछ नई पॉइंट्स वहां पे है, सो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।